टेलीकास्ट हो चुका है, प्यार बहुत मिल रहा है आपका शो करके, और उम्मीद है कि आपका शो सालों साल चले और आप लोगों को मेहनत करना है। और जिस तरह देख रहा हूँ शादी के सीजन है, क्या है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, ये हमारे गांव से एक लड़का है हैप्पी, जो कनाडा जा रहा है 5 साल के लिए पढ़ने के लिए, और उसी का ये जश्न मनाया जा रहा है। बाबू जी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी जिद करने के बाद आए और सब परिवार वाले यहाँ शामिल हुए, तो बस उसी का जश्न। फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है मन में कोई खोट टूट सा लग रहा है आपको बाबू जी का और सामने वाले? जी हाँ, वो उनको आना नहीं था यहाँ पे, बट यहाँ पे एक PWD वाले ऑफिसर आने वाले हैं जिनसे वो अपनी ज़मीन की बात करना चाहते हैं, तो उस रीज़न से आए हैं, और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो रही है, इसलिए परेशान है। आपका और अमृता जो काबरी है, उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गया या होने वाला है, क्या है, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा लड्डू बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर डेवलप हो गया है मेरे बंदूक के लिए, क्योंकि जो डेयरिंग उन्होंने यहाँ दिखाई है सिर्फ मेरे कहने पे वो यहाँ तक आ गई है इतना रिस्क लेके, और जिस तरीके से उसको मैं रोज़ स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ, तो एक अटेंशन ज़रूर उसने मेरा खींच लिया है। अब ये रोमांस में कब तक जाता है, हालांकि कई बार उसको देख के मैं खो जाता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या है, बट वो अभी तक ऐसे रोमांस वाले जोन में नहीं गया है। एक बात और है, पारस भाई को सब लोग जानते हैं कि एक अच्छे और रोमांटिक एक्टर भी है, तो आपने आपके बारे में मुझे जानना है, आपकी शुरुआत कैसे हुआ इस लाइन में, एक्टिंग लाइन में, कौन सी शो से पहले स्टार्ट किया आपने? मुझे ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो जाएंगे मार्च 2003 में, और जर्नी जैसे हर एक्टर की स्टार्ट होती है छोटे छोटे रोल से ही स्टार्ट किया, बट मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे आते ही विद इन अ मंथ काम मिल गया था, और मैं बरेली शहर से हूँ, छोटे से शहर से, और इतनी जल्दी काम मिल गया तो मैं इतने टाइम सर्वाइव कर पाया, वरना शायद उतना टाइम नहीं रुक पाता, इतना टाइम लोग दे पाते, तो फिर उसी वजह से मेरी पूरी फैमिली भी यहाँ शिफ्ट हो गई, और फिर लेकिन जो मेरा पहला शो था वीर शिवाजी, जिससे मुझे पॉपुलरिटी मिली, जिससे मुझे वो फेम मिला, वो पहचान मिली, और वहाँ से जो शुरुआत हुई है स्टेप बाय स्टेप करते करते आज यहाँ तक पहुँचा। इनिशियली बहुत सारे नाम, दो चार का नाम बताते हैं। वीर शिवाजी के बाद मैंने एक फिल्म की रज्जो कन्नड़ नॉर्थ के साथ, देन आई डिड महाभारत, जिसमें मैंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था, जो आज तक मुझे याद है, दिलों में बसा हुआ है, तो वो हिस्टोरिकल शो से मुझे बहुत ज़्यादा पहचान मिल गई थी, इसलिए इमेज ब्रेक करने के लिए एडिटर कॉमेडी शो पुलिस फैक्ट्री में सब, फिर उड़ान किया, दिली तो है, बावले उतावले, काटिल हसंस, ब्रिज के गोपाल, और कई सारे शोज जो मैंने किए, अब फाइनली दिल दिया करना। इतनी सारी आपने करने के बाद, इतने एक्सपीरियंस आपको मिलने के बाद, ये अभी फिर से सब टीवी पे एक फैमिली ड्रामा लव स्टोरी आपको करने का फिर से एक मतलब बोलते एक दोबारा मौके पर है, उम्मीद करते हैं इस तरह आपको प्यार में नया साल आ रहा है, क्या तैयारी किए होंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, शूट पे ही रहना है, क्या है नया साल में आपकी? मुझे नया साल जो आ रहा है, क्या तैयारी की आपने, मतलब घर जाएंगे यहीं पे एंजॉय करेंगे फैमिली? नहीं, मोस्टली मैं 2-3 साल से गोवा में सेलिब्रेट कर रहा हूँ न्यू ईयर, बट इस बार मुझे लगता नहीं कि मुझे उतने ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, बिकॉज मेरे शो के साथ म्यूजिक वीडियोज़ के भी कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, रिवर पे छुट्टी मिल जाए एक दिन की वो बड़ी बात है, तो कहीं बाहर जाके तो पक्का नहीं कुछ कर पाऊँगा, तो मुंबई में ही हूँ इस बार। 2 साल कोविड था, इंसान इतना इन्जॉय नहीं कर पाया, अभी 2 साल का बाद ये, आप ऐसा 2023 जो आने वाला है, जो ऐसा क्या है जो आप नहीं करना चाहते हो भाई, नया कुछ करना चाहते हो 2023 में? 2023 में मैं ऐसा नहीं कुछ नया करना चाहता हूँ, ये 2023 आने से पहले ही एक नई शुरुआत हुई है, मैं चाहता हूँ कि यही बहुत सक्सेसफुल रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 2 साल जो है वो बहुत मुश्किलों से गुजरे, नॉर्मल इंसान के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और ऑफकोर्स इंडस्ट्री भी एक तरीके से ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी, वो एक लग लग के काम चल रहा था, तो मैं 2023 यही चाहता हूँ कि दिल दियाँ गल्लां बहुत सुपर डुपर हिट हो, और वो साल 2023-7 इज़ माई लकी नंबर जो टोटल है उसका, तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ, एंड आई एम श्योर कि 2023 बहुत अच्छा। दिल दिया गल्ला मतलब दिल की हर बात बोलने वाला, हिंदी में बोला जाए दिल की हर बात सुनने वाला, दिल के बाद आपको सुनेंगे, और जाते जाते अपना ऑडियंस, अपने मम्मी पापा सबके क्या नया साल के विशेष देना चाहते हैं सबके, मतलब जो ऑडियंस सबके लिए? मैं सबको ऑफकोर्स पहले तो सबसे पहले नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, और इस साल मैं चाहूँगा कि
हर एक दिन को आप यू नो पूरी तरीके से जिए, क्योंकि हमने पिछले दो साल में जो देखा है, जो ट्रेजिडी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि हर एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हर एक पल को इन्जॉय करें और हर एक पल में एक यादें बनाते चले, आगे की ना सोचे, आज में जिए, खुश रहें. पारस जी, जाते जाते आपका पूरा नाम टीवी से बॉलीवुड तक बोलिए. हाय, मैं हूँ पारस अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड.